बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का करते हैं व्लॉग शुरू। जनाब बड़ी ही तेज़ धूप है जो इस वक्त हमें आजमाइश में डाल रही है रोज़े में, लेकिन जो है मुख्तलिफ काम हैं जो करने हैं, टाइम कम है एज़ यू नो कि बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। ईद सर पे है जी, घर से निकले हैं इस उम्मीद के साथ कि तमाम काम जो है हम मुकम्मल कर सकें जो कि सोच के निकले हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम आए हैं मारियाबी पे। एज़ यू नो कि मारियाबी का बॉक्स अपने घर भी आ गया है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बुकिंग्स थी जो कि हम यहाँ से लेंगे। नहीं, उनको पता है कि मैं ऐसे ही लेती हूँ। और जो वाइट मारियाबी से हमने कर ली है शॉपिंग, और अब दो तीन कोर्स थे सना सफीनाज के, तो बस सना सफीनाज से वो भी पिक कर लेते हैं, क्योंकि सना सफीनाज और मारियाबी बस ये दो तीन शॉप्स के डिफरेंस है। वो पीछे मारियाबी था, ये सना सफीनाज है, तो यहाँ से भी ले लेते हैं ताकि दोबारा का चक्कर ना लें। मारियाबी से लिए हैं कुछ सना सफीनाज से, तो बस चलते हैं यहाँ से जी। अब आए हैं हम आइडियाज पे। बड़ी अच्छी शॉप बनाई है ये वाली भी आउटलेट, माशाल्लाह जी। हम वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ हम रात को भी आए थे, वो बंद हो चुका था। मैं और इरफान हैं साथ, तो हम दोबारा वहीं पे आए हैं पार्सल लेने, और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ है न्यू कार्गो। तो यहाँ से हम ऐलान का बॉक्स लेंगे और फिर चलेंगे। यकीन जाने के इंतहा से ज़्यादा हुई भी है, और बस ये तीन चार काम करने के बाद मुझे तो रोज़ा लगने लग गया है। बस अल्लाह खैर करे। ये जी मैंने गुलाम भी यहाँ रखा हुआ है, ये पीछे ही नहीं रखा, तो अल्लाह खैर खैरियत के साथ आज का रोज़ा मुकम्मल करा दे, क्योंकि अभी घर जाएंगे, और घर जाके मैंने अभी पार्सल्स भी बनाने हैं जो कि यहाँ से बॉक्स लेके जाऊंगी, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन जो है फिर आगे संडे होता है, तो संडे की वजह से डिलीवरीज नहीं जाएंगी। तो ईद के दिनों में तो कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा, वो फ़ौरन कह देते जी कैंसिल करें इसको, क्योंकि हम किसी और से ले लेंगे, इसलिए जो है बड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। दो मारियाबी के बॉक्स भी आ गए हैं, मारियाबी से शॉपिंग भी हो गई थी, एक्स्ट्रा कोट्स भी ले आए हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं, ट्यूशन पढ़ के आ गए हैं, और साथ साथ देख रहे हैं जी बुल्ला क्या है, ये है बुल्ला इन ट्रबल। और वो देखे जी, वो एज यूजुअल गेम खेल रहा है। और ये मैंने पार्सल्स बनाए हैं जो हम समेटने लगे हैं, और साथ साथ मैंने जो है कुकिंग भी शुरू कर ली है। तो देखते हैं जी आज क्या क्या बनेगा। थकावट इतनी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं, कि वो होके आए हैं बाहर से, तो वो रोज़ा बहुत ज़्यादा लगने लग गया। ये जी सब कुछ हमने समेट लिया, साफ सुथरा कर लिया इसको, और ये देखें ये काट रहा है फ्रूट चाट। इतना शोर क्यों कर रहे हो हरीश, क्या तरीका है?
अफ्तारी करने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती हो गई थी और बहुत ज़्यादा अजीब सी तबीयत हो गई थी। लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, आराम किया। और अब ये देखें जी, हम जा रहे हैं एक सहर पार्टी पर। इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे और आपको भी हमारे साथ बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब भी फैमिली गेट टुगेदर होती है तो नो डाउट बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है। तो हम सब घर से निकल रहे हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं, और फिर वहाँ पर पहुँच के ही आपको बताएंगे कि हम कहाँ पे आए हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि ये उनकी पहली शहरी जो थी वो घर से बाहर थी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो घर से निकल रहे हैं, वॉइस ओवर कर रही हूँ, एज़ यू नो पता चल गया होगा, वो इसलिए कि थकावट थी उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो घर से निकले हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो चले चलिए हमारे साथ, आइए आप भी। गाड़ी को निकाल कर जब सड़कों पे आए तो सड़कों पे तो जी जनाब बिल्कुल ही रश नहीं था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ इधर से उधर और उधर से इधर जा रही थी, और वो भी शायद इस वजह से कि हमारी तरह उनकी भी सहरी कहीं ना कहीं बाहर होगी, या फिर वो सहरी के लिए दही, चने, सालन, नान, पराठा, कुछ ना कुछ लेने के लिए निकले होंगे। खैर, जो भी था, एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस टाइम पे आपको रोड्स बिल्कुल खाली मिल रहे थे, जो कि एक बड़ा अजीब सा मंज़र बना रहे थे, और हमने उसको भी इंजॉय किया। जब भी सुबह सवेरे या रात को बहुत ज़्यादा लेट निकलो तो जब माहौल और एटमॉस्फेयर और हर चीज़ देखने वाली डिफरेंट हो जाती है तो वो भी बड़ा मज़ा आता है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है। जनाब हम पहुंच चुके हैं ऑफिसर्स क्लब। ऑफिसर्स क्लब में हमारी सहरी थी और हम यहाँ पे टाइम पे पहुंच चुके थे, और इसके बाद हमने गाड़ी पार्क की और हम अंदर की तरफ चल दिए। जी बिल्कुल, दाऊद वालों की फैमिली भी हमारे साथ थी और अम्मी अब्बू भी हमारे साथ हैं। वो अंदर पहले ही आ चुके हैं और जाकर बैठ चुके हैं इनफैक्ट, और हमारा वेट कर रहे हैं, तो वेट नहीं कराते और जल्दी से चलते हैं उनके पास ताकि हम मिलके अपनी सहरी का आगाज़ कर सकें। तो जनाब हमारे साथ रहिएगा और खूब इंजॉय करें। आलू वाला पराठा, सिंपल बलदार पराठा, टैंग, लस्सी, और जनाब हमारे साथ हैं बहुत स्पेशल लोग। लाइब्रेरी रूम में जी, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये चीजें। ये जी जलेबी है, खीर, प्लेट्स, आगे चलते हैं और देखते हैं, रश भी बहुत है। ये जी ये चिकन का सालन है, ये है जी साग, ये क्या है, मटन, लाहौरी बकरा। अच्छा, लाहौर से मंगाया था। और ये क्या है, नली नली नहारी, बाजी वाह। ये जनाब हलवा, और यहाँ कुछ ख़त्म हो चुका है जो आएगा, लाओ रोटी और ना। मेरी प्लेट देखिए, ये नली नहारी का ये मैं शोरबा डाल के लाई हूँ। ये जी मटन है, चिकन, साग, लुबैंड, और ये जो भी है यहाँ बता, ये बताएंगी आप। ये है जी अंडा ऑमलेट।
सॉस भी दिए थे, मीठी और नमकीन दोनों लस्सियाँ थी, ये जी पूरी भी हमारे पास थी, पराठे थे और मीठा भी बहुत था। अब मीठा डाल जी जलेबियाँ और ये खीर और ये है जी गुलाब जामुन। बहुत अच्छी साइड है आपको तो हर जगह की बहुत अच्छी लगती है। सही कह रही है। निकल रहे हैं यहाँ से बहुत अच्छा था यहाँ का बूफे भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी नानों के साथ मोहब्बतें झाड़ी जा रही हैं। कोशिश करो ना दोस्तों के नानों को कितना बुरा लगता है, कोई शिकायत ना आया करो मुझे तुम्हारी, अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसका ये मतलब नहीं है। नानो हर बात पे कहते हैं नानो मुझे ही करेगी तो मैं बुरा आ जाऊं। चलें जी चलें घर चलते हैं क्योंकि पानी का टाइम नहीं बचेगा। इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन ढेरों खुशियां लेके आए। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।